कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने 50 लाख रुपए की निधि क्रिश्चियन कब्रिस्तान के रखरखाव तथा पुनर्निर्माण के लिए दिए हैं। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। मैंने कल्याण लोकसभा यानी कि कलवा से लेकर अंबरनाथ तक यहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या कह सकते हैं कि ठाणे पूरे ज़िला के अंदर के जो हैं, इसके विषय में मैंने प्रशासन के साथ में और माननीय खासदार साहब के पास में पत्र दिया था, जिसमें से माननीय खासदार साहब के माध्यम से और नगर विकास विभाग की तरफ से विशिष्ट निधि कर प्रथम हमें मुमरा के अंदर 50 लाख की क्रिश्चियन कब्रिस्तान की सोई सुविधा करने के लिए माननीय कारसार सम्राट खासदार जो हैं हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनके माध्यम से हमें ये निधि प्राप्त हुई है और जल्द मुमरा के अंदर क्रिश्चियन सीमेंट्री का जो है काम शुरू होगा। माननीय खासदार साहब के पास में हमने जब भी इस विषय को रखा, उन्होंने बारीकाई से इसके ऊपर ध्यान दिया और बड़ी गंभीरता से लेते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ हमें 50 लाख रुपए की निधि दिलाने के लिए उन्होंने प्रशासन के साथ में नगर विकास विभाग के साथ में पत्र व्यवहार कर हमें ये निधि उनके थ्रू हमें प्राप्त हुई है। और इस मुमरा कब्रिस्तान के लिए पिछले लगभग 12-13 से मैं 2012-13 से मैं प्रयत्न कर रहा था और ये जो कब्रिस्तान है 40 वर्ष पुराना कब्रिस्तान है, इसकी दशा बहुत ख़राब थी। उसके बाद में हमने महानगर पालिका के ऊपर मेरे नेतृत्व में और वहाँ के जितने चर्च प्रिस्ट और बाकी के मुमरा कलवा दीवा विभाग के लिए ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ के ये तीनों विभाग के मिलाकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने हमने ठाणे महानगर पालिका के ऊपर मोर्चा लिया था, जिसके विषय में बहुत सारे मीडिया ने उसकी दखल भी ली थी, न्यूज़पेपर्स में भी था और तब के तत्कालीन आयुक्त जो थे उन्होंने हमें कुछ एक छोटी मोटी निधि उस समय पर हमें मुहैया कराई थी और उसके जरिए वहाँ के जो दीवार के काम हैं, बीच में रास्ते पर चलने के लिए छोटे एक ब्लॉक और ये सब चीज़ें लगाकर कलर पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग जो होते हैं वो सारे काम उन्होंने करके दिए थे। लेकिन उसके बाद में फिर ये कब्रिस्तान ख़राब होता ही गया। वहाँ पर जो सुविधा है, जो चैपल होना चाहिए, बॉडी लेकर आने के बाद में वहाँ पर प्रार्थनाएँ की जाती है वो होना चाहिए, ज़मीन जो है वो ज़मीन अच्छी होना चाहिए, ये ऐसी बहुत सारी जो हमारी समस्याएँ थी और ज़मीन भी छोटी होने का कारण मेरे ख्याल से एक 18-19 घंटे या 20 घंटा मैक्सिमम इतनी वो ज़मीन है जो कि लगभग भरती हुई आई है। तो अब जो पुरानी जो कब्र वहाँ पर दफन है उनको निकाल कर बॉक्सेस बनाकर उसके अंदर रख कर और बाकी नए लोगों को वहाँ पर जो मृत्यु होते हैं उनको नए लोगों को वहाँ पर दफनाया जाए, इसकी सुविधा करने के लिए हम कई दिनों से मांग कर रहे थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय खासदार साहब का, माननीय पालक मंत्री साहब का और माननीय महापौर जो है ठाणे के, इनका, इन सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो उल्लासनगर के विषय में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्द कहना अच्छी बात नहीं होती, समय आने दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि जल्द उल्लासनगर का कब्रिस्तान का भी कायापलट होगा और जल्द से जल्द यहाँ पर भी सारी सुविधाएं, हम सभी यहाँ के जो क्रिश्चियन भाई हैं या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हैं, कैथलिक क्रिश्चियन हैं या फिर जो बिलीवर्स लोग हैं, इनके लिए यहाँ पर भी आपको सारी सुविधाएं माननीय महापौर जी, माननीय पालक मंत्री जी, खासदार जी और माननीय स्थानिक आमदार बालाजी किनिकर जी, इनके माध्यम से ज़रूर मिलेगी। ऐसा मैं क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन व क्रिश्चियन समाज के साथ में काम करने के नाते मैं इन पर विश्वास रख सकता हूँ और समाज को भी भरोसा दिलाता हूँ। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।